1000 में दम नहीं, 10000 से कम नहीं, 1000 में दम नहीं। 10 साल से आप लोग जो है जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं? 18 साल से हम लोग जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। कितना कमा लिया होगा आप लोग? हम लोग कुछ नहीं कमाए हैं। आप जितने दर्शक है कमेंट करके जरूर बताइए कि जिस प्रकार से आशा कार्यकर्ता दिन रात 24 घंटा सालों भर काम करती है, क्या इनको कुछ मानदेय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अभी चलिए हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये लोग फ्री में काम क्यों करती हैं और इनका मांग क्या है। आइए हम बात करते हैं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आप लोग फ्री में काम क्यों नहीं करना चाहती? क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि हम लोग का बाल बच्चा नहीं है सर। क्या और जितने भी लोग काम कर रहे हैं, क्या वो लोग फ्री में काम कर रहे हैं कि हम लोग फ्री में काम करेंगे? जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग भी काम कर रहे थे, क्या आप लोग का नहीं मिलता है उसका दाम? तो हम लोग फ्री में काम क्यों करें? जी हम लोग को जो काम जो किया गया था, हम लोग को बलगला के बार बार रखा जा रहा है कि आप लोग ये काम करिएगा तो आपको इस चीज़ का पैसा मिलेगा, उस चीज़ का पैसा मिलेगा, वो पैसा भी हम लोग को ढंग से नहीं मिल रहा है। 5 साल से आप लोग जो है जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं? 18 साल से हम लोग जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। कितना कमा लिया होगा आप लोग? हम लोग कुछ नहीं कमाए हैं सर। क्यों? क्योंकि कुछ मिला ही नहीं है, पेट हम लोग का नहीं भरा तो कमाएंगे क्या? कुछ नहीं। सरकार के द्वारा कितना पैसा मिलता है आप लोगों को काम करने के लिए? जो काम करते हैं टुकड़ों टुकड़ों में मिलता है, हर काम का जैसे 150 मिलता है, जो कुछ 150 रुपए मात्र मिलता है। जी हाँ, हर काम का 150 ही मिलता है, पैसा अलग अलग। काम करवाना है 100 रुपया, चलो ये काम करवा लो आशा से, आप लोग को 100 रुपया दिया जाएगा। एगो फॉर्मेट भरना है, आप लोग को 10 रुपया दिया जाएगा। उस तरह से काम करवा लेते हैं, लेकिन वो भी 10 रुपया नहीं हम लोग को मिलता। मतलब कि जो सरकार के द्वारा थैले भर करके आ रहा है वो आपको बूंद बूंद में मिल रहा है बूंद बूंद में। लेकिन हम लोग को टुकड़ो टुकड़ो नहीं चाहिए, हम लोग को मानदेय चाहिए। हम लोग परिशोधित नहीं, सरकारी कर्मचारी का दर्जा मांग रहे हैं, वो हम लोग को सरकार को देना होगा। जी आखिर में ये बताइए, आप ऐसा कौन सा काम कर देती हैं जिसके लिए आपको पैसा चाहिए? हम लोग जितने स्वास्थ्य विभाग का जितने भी काम है, छोटे छोटे जो भी ग्रामीण स्तर का जो भी परेशानी है, सारे परेशानी पहले हम लोग ही करते हैं। हम लोग पीएससी तक सारे परेशानी को लेके आते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल में सारे उनके जो होता है, उनका जो रात दिन उनका जो चार्ज होता है, ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद ही होता है हम लोग के पहुँचाने के बाद ही। जी गाँव में किसी का उल्टी हो गया, दस्त हो गया, जो भी परेशानी हुआ, जारा हुआ, बुखार हुआ, फोड़ा हुआ, फुंसी हुआ, डिलीवरी हुआ, किसी को कोई बच्चा अचानक अगर किसी बच्चा का कोई भी दिक्कत होता है, तुरंत हम लोग लेकर के दौड़ के हॉस्पिटल जाते हैं, बच्चा का जान बचाते हैं, गर्भवती का जान बचाते हैं, टीकाकरण करवाते हैं, पोलियो करवाते हैं। मतलब कि जितना भी बिहार इतना ही अभी बहुत है, बहुत 56 तरह के काम है, बहुत तरह का सब काम करवाते हैं। हर काम में बोलते हैं इसमें 100 है, इसमें 200 है, इसमें 150 है। हम लोग सोचते हैं कि चलो 150 आएगा, काम करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम खत्म हुआ, वो पैसा दब गया, दूसर का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, ऐसे कर कर के बलगला के। आप समझ सकते हैं ये आशा कार्यकर्ता जो है जितना भी इन्होंने बताया है विभिन्न प्रकार का काम है वो लोग करती हैं, लेकिन इनको पैसे देने का तो वादा किया जाता है, लेकिन समय पे उस पैसों को भी नहीं दिया जाता है और इनको दूसरे काम में फंसा दिया जाता है ताकि पिछला पेमेंट जो है ये ना मांगे। लेकिन आखिर में ये कब तक होगा, कब तक चलेगा कि ये आशा कार्यकर्ता जो अपने घर परिवार को संभालती है, अपने बच्चे को संभालती है, पूरा परिवार को संभालती है, इतना ही नहीं गाँव में होने वाले विभिन्न प्रकार के समस्याओं का समाधान करने के लिए डटी रहती है, हर एक सरकारी अस्पताल में जो मरीजों को लेकर जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको तनख्वाह के रूप पर कितना मिलता है? हम 1000 वो भी 4 काम पूरा होने पे, नहीं तो वो भी 1000 नहीं मिलता है। टारगेट उसपे भी लगा हुआ है, उसपे भी 4 टारगेट लगा हुआ है। काम में 4 काम मस्ट है, अगर 4 काम मेरा नहीं हुआ तो 1000 नहीं मिलेगा। महीने में 1000 वो भी सब मात्र 1000। जी हाँ 1000। अब आप खुद समझिए कि महीने में 1000 रुपया मात्र मिलता है, उससे क्या होगा? क्या आप घर में घर का खाना का खर्चा निकाल सकते हैं? क्या सब्जी का खर्चा निकाल सकते हैं या रोटी का खर्चा निकाल सकते हैं? भैया अभी के समय में कोई खर्चा नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी के समय में सिलेंडर का भाव भी 1000 कुछ रुपया तो सिलेंडर भी नहीं निकला, 1250 1270 रुपया तो सिलेंडर भी नहीं मिलेगा। तो सरकार से हम सवाल करना चाहते हैं कि जब 1000 रुपया में सिलेंडर नहीं मिल सकता, 1000 रुपया में 1 महीने के अनाज नहीं खरीद सकते, 1000 रुपए में 1 महीने का सब्जी नहीं आ सकता है, तो आपको शर्म आना चाहिए। एक आशा कार्यकर्ता को 1000 रुपए मंथली भी नहीं मिलती है। आप लोगों से हम जानना चाहेंगे कि ये धरना प्रदर्शन करने का उद्देश्य क्या है और आप लोग क्या चाहती हैं?
हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार हम लोग के 1,000 न दे के 10,000 का मान दे दे, हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित करे, सरकारी कर्मचारी जी हाँ सरकारी कर्मचारी हम लोग को घोषित करे, उसको सरकारी दर्जा दिया जाता है, हम लोग को भी दर्जा दिया जाए सरकारी कर्मचारी घोषित करे। और मातृत्व का जो भी मृत्यु दर हुआ है हम लोग के वजह से कमी हुआ है, हम लोग 24 घंटा इमरजेंसी काम करते हैं, जखनी जो भी क्षेत्र से पहुंच जाता है या कोई फोन करती है, हम लोग फोन नंबर दिए हुए हैं कि कैसनो दिक्कत होगा तो फोन कीजिएगा, उस समय हम लोग को 2 बजे रात में हाजिर होना पड़ता है, होना पड़ता है। हम लोग को टुकड़ो टुकड़ो नहीं, अब मानदे चाहिए, मानदे चाहिए जी, मानदे चाहिए। नारा है 1,000 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं, 1,000 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं, 1,000 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं। तो आप समझ सकते हैं 1,000 से लेकर 10,000 तक इनका मानदेय है। और मेरा भी यही कहना है कि अगर सरकार देख रही है कि आशा कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रही है तो कम से कम इनको मानसिक वेतन के रूप में 10,000 तक का पेमेंट जरूर होना चाहिए, ताकि ये कम से कम अपने परिवार का खर्चा न भी चलाए तो घर से लेकर शहर तक और घर से लेकर अस्पताल तक जाने का खर्चा ये जुटा ले और अपना पेट पालने तक का ये खर्चा जरूर जुटा ले। सरकार से हमारा यही विनती है, आगे क्या आप लोगों का अनुरोध है? सरकारी सेवा घोषित करें जी, हम लोग को पारिशोधित नहीं मानदेय देना होगा, यही हम लोग का सन्नाह है। दिखाइए इधर, इधर दिखाइए, ये आप देख सकते हैं 9 सूत्री मांग है। और इसी मांग को लेकर आशा कार्यकर्ता बिहार ही नहीं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो है अपने हक की मांग कर रही है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आशा कार्यकर्ता सिर्फ बिहार ही नहीं भारत के 33 राज्यों में जो है अपने हक की मांग कर रही है, 33 जगहों पर धरना प्रदर्शन हो रहा है और अपने हक के लिए जो है ये लड़ाई कर रही है। और ये बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा होने के बावजूद भी इस पर सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही है। अब आप देख सकते हैं अपने 9 सूत्री मांग के लिए किस प्रकार आशा कार्यकर्ता जो है ये लगी हुई है, ये सारा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है और डिस्प्ले पर भी आप देख रहे हैं। आप ज़रूर बताइए कि सरकार को इन आशा कार्यकर्ताओं के मान सम्मान और इनके लिए मानदेय फिक्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और हमें सरकार से निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए महीने में कम से कम 10,000 मानसिक वेतन तय किया जाए, ताकि आशा कार्यकर्ता फिर से सुचारू रूप से काम कर सके और बिहार में महिलाओं के लेकर आशा जगे और जिस प्रकार से महिलाओं की समस्याओं पर आशा कार्यकर्ता काम करती है ये सुचारू रूप से कार्य करती रहे। बाकी हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद। स्वास्थ्य मंत्री हाय हाय।